नमस्कार दोस्तों, फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पे मेंशन किया हुआ कि पोको F4 आपको मिल सकता है अंडर 20K में, तो किस तरीके से मिलेगा और कैसा है ऑफर, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। देखिए, पोको F4 आपको मिल सकता है अंडर 20K में, ऐसा फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पे मेंशन किया हुआ है। फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन खोलना है और ये खोलने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा हर दिन उत्सव करके, जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे, और इसी में मेंशन किया हुआ है कि पोको F4 आपको मिलेगा अंडर 20K में। सबसे पहले हम बात करें कि पोको F4 5G स्मार्टफोन कैसा स्मार्टफोन है। तो ये स्मार्टफोन काफी अच्छा है, मतलब स्पेसिफिकेशन जो भी है वह काफी अच्छा है। इस फोन में दिया गया 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले, और डिस्प्ले का जो भी स्पेसिफिकेशन है वह काफी तगड़ा है। और इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन का 870 वाला प्रोसेसर, जो की एक 5G प्रोसेसर है, और इसमें 5G की बैंड भी काफी अच्छा खासा है। और ये फोन आता है LPDDR5 RAM के साथ और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ। इस प्राइसिंग में कुछ अन्य फोन भी है उसमें ऐसा रैम स्पीड नहीं दिया गया है, और इसमें दिया गया है 4500 mAh का बैटरी, और ये फोन आता है 67W चार्ज सपोर्ट के साथ। देखिए, पोको F4 5G स्मार्टफोन काफी अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन पोको के कई सारे ऐसे फोन है जिसका मदरबोर्ड डेड हो चुका है। आपने सुना होगा पोको X2 के बारे में या फिर पोको X3 प्रो के बारे में, दोनों फोन का मदरबोर्ड डेड हो चुका है। जितने भी स्मार्टफोन सेल हुए थे उन सारे स्मार्टफोन का मदरबोर्ड डेड हो चुका है, और केयर पे जाने पे भी इसका सलूशन नहीं मिल पाता है, बिकॉज पोको का कोई भी प्रॉपर केयर नहीं है। आपको जाना होता है Xiaomi के सर्विस सेंटर पर ही। हालांकि पोको F4 पर आपको मिलता है 2 ईयर का वारंटी, लेकिन प्रॉब्लम आने के बाद, यानी मदरबोर्ड इशू आने के बाद आपको चार्ज भी लग सकता है। तो पोको F4 या फिर पोको स्मार्टफोन में यही एक प्रॉब्लम है, जो कि है मदरबोर्ड डेड इशू का। बाकी ये फोन काफी तगड़ा है। अगर हम बात करें कि इस फोन पर डिस्काउंट किस तरीके से है, तो आप यहाँ पर देख पाओगे पोको स्मार्टफोन के अंदर मेंशन किया गया है, यहाँ पर एक सेल है जो कि है बेस्ट डील ऑन पोको बेस्ट सेलर करके, और ये चलने वाला है 7 नवंबर तक। और नीचे मेंशन किया गया है पोको F4 को, और यहाँ पर ब्रांड है जो कि है 12GB 256GB का, और मेंशन किया गया है कि ये मिल सकता है आपको अंडर 20K में। अगर हम इस पर चेक करें तो आप यहाँ पर देख पाओगे यहाँ पर जो हायर ब्रांड है इसका प्राइसिंग है 34,000, और 34,000 होने के साथ इस पर कोई भी अच्छे लेवल का ऑफर्स नहीं है। आप यहाँ पर देख पाओगे ये फोन डिस्काउंट करने के बाद आपको मिल सकता है 32,299 रुपए में। इस प्राइसिंग में बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, लेकिन वहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये फोन मिल सकता है अंडर 20K में। तो अंडर 20K बस ऐसे ही मेंशन किया गया है, ये फोन अभी आपको नहीं मिलता है अंडर 20K में। और यहाँ पर एक्सचेंज बाउंस को ही मेंशन नहीं किया गया है, जहाँ से आप ले सकते हो इस फोन को अंडर 20K में। तो कभी कभी फ्लिपकार्ट मिसलीडिंग भी करता है, जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये फोन आपको मिलेगा अंडर 20K में, लेकिन आप इस फोन को अंडर 20K में बाय नहीं कर पाओगे, बिकॉज कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ से आप इस फोन को बाय कर पाओगे अंडर 20K में। उसके बाद आप यहाँ पर देख पाओगे एक और फोन है जो कि है Mi 10। ये फोन मेंशन किया हुआ कि आपको मिल सकता है अंडर 10K में। अगर ये फोन अंडर 10K में मिलता तो मैं इस फोन को अभी ही बाय कर लेता। तो कई बार ऐसा होता है कि मिसलीडिंग किया जाता है, और इसी वजह से कई बार गलत प्रोडक्ट भी पहुंच जाता है। हालांकि ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन मेंशन किया हुआ है प्राइसिंग जो कि है 10,000, आप यहाँ पर देख पाओगे। तो आपने यहाँ पर पोको F4 के बारे में जाना कि पोको F4 को मेंशन किया गया है कि ये मिल सकता है अंडर 20K में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज जो बैनर को शोकेस किया गया है उसमें लिखा हुआ कि ये फोन मिलेगा अंडर 20K में, लेकिन एक्चुअल में उस फोन पर कोई भी अभी ऑफर नहीं है। जब भी कोई सेल आता है तो उस फोन पर ऑफर मिलता है, जैसे कि दीपावली सेल या फिर उससे पहले था दशहरा सेल, उसमें आपको मिला था पोको F4 पर ऑफर, और ये फोन मिलता था 22K में। लेकिन अभी इस फोन पर कोई भी ऑफर्स नहीं है, जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे, लेकिन जो मेंशन किया हुआ है वो मिसलीडिंग है, इसी वजह से आपको दिख रहा है अंडर 20K, जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे। तो बस आज के इस वीडियो में ही बताने वाला था, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।